This is DME and you are listening Radio Intersect. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त भव्या बुद्धिराजा और आप सुन रहे हैं DME Radio Intersect. दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है DME Movie Review में. जिस मूवी के बारे में आज मैं बात करने जा रही हूं उसका नाम है टाइगर सिंधा है. दोस्तों, 2012 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था एक था टाइगर, और अब उसके बाद सलमान और कैटरीना की एक और मूवी आई है साल के अंत में 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई टाइगर जिंदा है, और आप लोगों ने मतलब दर्शकों ने इसे 87% लाइक भी किया है. ये कहानी बहुत ही अच्छी है, दिलचस्प है, समझने वाली कहानी है. तो चलिए बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में. सीरिया की बात है जहाँ पे अबू हुस्मान ने 25 महिलाओं को, नर्स को, एक हॉस्पिटल में कैद कर रखा है, बंदी बना रखा है. और जब इस बात का पता चलता है इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट को, तो वो रॉ एजेंट्स को कहते हैं कि इन महिलाओं को बचाने के लिए कुछ करिए. शिनॉय सर रॉ के सबसे बड़े एजेंट हैं. उन्हें लगता है कि इस चीज़ को, इस सिचुएशन को सिर्फ एक ही जना संभाल सकता है, वो है टाइगर. पर टाइगर अब रॉ का पार्ट नहीं है, इसीलिए उसे ढूंढते हुए वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं जहां पर टाइगर अपनी बीवी जोहा और अपने बेटे जूनियर के साथ रहता है. टाइगर को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो उसी वक्त वो उन 25 महिलाओं को बचाने के लिए मिशन में रेडी हो जाता है और अपने साथ 3 जनों की एक टीम बनाता है जिनका नाम है आज़ाद, कैप्टन नमेश और राकेश. टाइगर जाता है, अपना पूरा प्लान बनाता है, उसे एग्जीक्यूट थोड़ा करता है, और उतने में ही कुछ दिन बाद जोया वहाँ पे आ जाती है जो कि एक पाकिस्तानी एजेंट है. वो अपनी टीम जिसमें कैप्टन अब्रल और कैप्टन जावेद हैं उनके साथ वहाँ पहुँचती है और बताती है कि उन्हें अभी तक टाइगर को और गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि वहाँ पर 15 पाकिस्तानी महिलाएं, नर्स भी वहाँ पर हैं. तो जोया वहाँ पर जाती है अपनी वो पाकिस्तानी महिलाओं को बचाने के लिए. दोनों डिसाइड करते हैं कि टाइगर और जोया, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के एजेंट्स, पहली बार कोई मिशन एक साथ करेंगे. पहले तो उनकी टीम नहीं मानती, पर फिर वो एकजुट हो जाती हैं और इस मिशन के लिए तैयार हो जाती हैं, वो भी एक साथ. कहानी बहुत ही दिलचस्प चलती है और इसमें यही दिखाया जाता है कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान में जितने मर्जी मनमुटाव थे या कड़वाहट थी, गवर्नमेंट के व्यूज अलग थे, पर जो भी था, जब बात आई अपने देश की इज्जत की, तो दोनों किस तरीके से भरोसे के साथ एक दूसरे की मदद करते हैं और आखिर में जाके उन महिलाओं को बचा लेते हैं और देश को आज़ाद कर लेते हैं. ये स्टोरी निलेश मिश्रा और अली अब्बास जफर जी ने लिखी है. इसका स्क्रीन प्ले अब्बास जफर जी का है. बहुत ही फास्ट पेस पे ये कहानी लिखी गई है, और जब व्यूअर्स इस मूवी को देख रहे होते हैं तो उनको लगता है कि वो अपनी पलकें भी नहीं झपका सकते, एक मिनट के लिए अपना ध्यान उधर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी मूवी निकल जाएगी या फिर कोई इम्पोर्टेंट सीन निकल जाएगा. मतलब ये मूवी स्टार्टिंग से एंडिंग तक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. लोगों को लगा रहता है कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा. बहुत ही एंगेजिंग कहानी है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं इसमें, ह्यूमर है, ड्रामा भी है कई जगहों पे इसमें. जो टाइगर का बेटा है उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखा रखा है, बहुत ही क्यूट है वो. और टेररिज्म के बारे में इसमें बहुत बात हुई है कि टेररिज्म किस तरीके से अबू हुस्मान ने दहशत फैला रखी है, किस तरीके से इतना ज़्यादा लोगों के ऊपर उसने दहशत फैलाई है. साथ ही में ये मास अपीलिंग थोड़ा कम है इसमें,
थोड़े पंच डायलॉग्स कम है, पर फिर भी इस मूवी पे बहुत तालियां बजी है। इस मूवी को देख के कई बार कई सीन्स में हम हिंदुस्तानियों का सर गर्व से ऊंचा हुआ है, छाती चौड़ी हुई है, ये देख के कि रो एजेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। और टाइगर की अगर हम बात करें तो सलमान खान सच्ची में इसमें ऐसा लग रहा है सच्ची में वो अपने करेक्टर में घुस गए हैं, वो एक रियल टाइगर की तरह उस टाइम पे प्ले कर रहे थे। डायलॉग्स इस तरीके से थे हमारे। और एक्टर्स की अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, इसमें सलमान खान बहुत अच्छे दिख रहे हैं। एक सीन है जहाँ पे वो शर्टलेस हैं, उसमें लोगों को देख के उन्हें बहुत अच्छा लगा, लड़कियाँ इनकी बहुत बड़ी फ़ैन बनी उस टाइम पे, क्योंकि वो शर्टलेस पिक्चर्स में वैसे भी अच्छे लगते हैं। साथ ही में उनके एक्शंस, उनके स्टंट्स, वो सारी चीज़ें उन्होंने खुद की, उनका फिजीक बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने इस मूवी में बियर्ड रखी है तो उनका बियर्ड लुक बहुत अच्छा लग रहा है। स्वैग से स्वागत में उनका डांस बहुत इम्प्रेसिव है, ग्रेसफुली उन्होंने डांस किया है और ये गाना भी बहुत हिट हुआ इस वजह से। साथ ही में अगर हम कैटरीना कैफ के बारे में बात करें जो है जोहा, तो उन्होंने इस मूवी में अपने एक्टिंग तो अच्छी की ही है, साथ ही साथ उनके लुक्स भी बहुत गॉर्जियस लगे हैं। उन्होंने अपनी ड्रेसिंग सेंस को बहुत अच्छा रखा है, मॉडर्न रखा है। जहाँ पर उन्हें थोड़ा डल रखना था उन्होंने थोड़ा डल भी रखा है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उन्होंने अपना ड्रेसिंग स्टाइल को चेंज किया है। बहुत ही अच्छे लुक्स रखे हैं उन्होंने अपने। और स्वैग से स्वागत में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डांस किया है। अगर हम बात करें इस मूवी के सॉन्ग्स की तो स्वैग से स्वागत सॉन्ग बहुत बड़ा हिट गया है, हर बच्चे बच्चे के मुंह पे आजकल ये सॉन्ग है, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। इन गानों के राइटर्स हैं इरशाद कामिल, जिन्होंने बहुत अच्छी लिरिक्स लिखी हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। साथ ही में दिल दिया गल्ला जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो बहुत ही मेलोडियस और सॉफ्ट गोइंग सॉन्ग है। पहले से देख के लगा नहीं था कि इतना फेमस होगा, पर आज ये हर किसी के दिल में बसा हुआ है। तेरा नूर गाना भी काफ़ी अच्छा है। आगे जो उनकी कोरियोग्राफी की है वो की है माधवी मारचंद ने, बहुत अच्छे स्टेप्स रखे हैं उन्होंने डांस के। सलमान खान और कैटरीना कैफ पे बहुत अच्छे लग रहे हैं वो स्टेप्स। और ओवरऑल कहानी बहुत अच्छी है, पूरा मेकओवर बहुत अच्छा है, लोकेशन अच्छी चूज की हुई है। दिल दिया गला सॉन्ग में एक सिचुएशन थी जहाँ पर कैंडल्स पूरे रास्ते में सजाई हुई थी और वो कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे, वो गाना बहुत लोगों को टच हुआ और बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग था वो, जो बहुत अच्छा लगा लोगों को, वो जगह बहुत अच्छी लगी। तो यही था इस मूवी का रिव्यू। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। मैं हूँ भव्या बुद्धिराजा और आप सुन रहे थे DME रेडियो इंटरसेक्ट। दिस इज DME एंड यू आर लिसनिंग रेडियो इंटरसेक्ट।